दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके पहले हमने दो मेरा दो लेक्चर्स हो गए इसके ऊपर दो लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्वेटिक के बारे में बताया बाद में वहाँ पे मैंने आपको प्लांट्स के बारे में मोस्टली मैंने बताया था बाद में हमने स्नोई रीजन में प्लांट्स का जो एडेप्टसन है वो कैसा होता है बाद में डेजर्ट में कैसा होता है आज हम एनिमल्स के इसके बाद का फिर मेरा लेक्चर था उसमें हमने प्लांट और फीस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टन इन डेजर्ट एनिमल किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डेजर्ट एनिमल में क्या क्या एडेप्टशन होता है तो डेजर्ट एनिमल डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले इसके पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में पढ़ा था इसके पहले हमने, हम हमने किसके बारे में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में अब देखो यहाँ पे यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके लेग्स के बारे में ये क्यों ऐसा रहता है क्योंकि जैसे अभी समझो यहाँ पे स्ट्रेंड है पूरा का पूरा बालू है तो जब अगर हम अगर हम बालू में जाएंगे तो हमारे पैर कैसे हो जाते हैं दब जाते हैं ना हमारे पैर कैसे हो जाते हैं दब जाते हैं तो उससे बचने के लिए कैमल के अंदर ये एडेप्टेशन होता है बाद में दूसरी चीज़ है कि देखो इसके नॉस्ट्रिल मैं आपको कैमल अच्छे से दिखाता हूँ कैमल मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसका जो नॉस्ट्रिल है नॉस्ट्रिल के अंदर भी कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे नोस्ट्रिल भी क्या किया जाता है प्रोटेक्ट किया जाता है आय इसका प्रोटेक्ट रहता है ये सब चीज़ों ये सब इसलिए इसका प्रोटेक्ट किया जाता है कि जैसे अगर समझो वहाँ पे हवाएं अगर ज़ोर से चली तो बालू बालू क्या हो जाए है पता है बालू आँखों में क्या हो सकता है आने के चांसेस रहते हैं इसलिए क्या किया जाता है उसके आय को प्रोटेक्ट किया जाता है नोस्ट्रिल को प्रोटेक्ट किया जाता है तो गाइस यहाँ पे वही सब चीज़ों के बारे में बताया गया तो आपको सबसे पहले आपको मैं डायग्राम इसलिए बताता हूँ कि जिससे क्या होता है कि आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है देन वन बाय वन हम टॉपिक के बारे में आप देखते हैं अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा डेजर्ट आर कैरेक्टराइज बाय सेवियर स्कार ऑफ वाटर स्कार ऑफ वाटर आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है डेजर्ट एनिमल हैव अ थीक स्किन टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर याद रखना वहाँ पर जैसे प्लांट्स के जो प्लांट भी कैसा रहता है कि उसका भी जो सरफेस रहता है ठीक रहता है तो वैसे यहाँ पे भी कैसा है कि इसका स्किन कैसा है ठीक है देआर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड क्यूशन सोल देखो क्यूशन सोल आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने डायग्राम में ही आपको बताया पहले ही सबसे पहले बता दिया कि यहाँ पे सोल दिखाई दे रहा है ये ऐसा क्यों रहता है क्योंकि वो मूवमेंट जैसे वो आराम से चल सके वहाँ पे सैंड में चलने के लिए डेजर्ट एरिया में चलने के लिए उनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो इसलिए तो ये प्लीज़ ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है हाँ याद से दैन नोस्ट्रिल आर प्रोटेक्टेड बाई दी फोल्ड ऑफ स्किन मैंने आपको बताया पहले ही बताया कि नॉस्ट्रिल के बारे में आपको याद रखना है देन द आई लेसिस आर लॉन्ग एंड थी आई लेसेस कैसे रहता है लॉन्ग रहता है और थीक रहता है ओके okay? ये पूरा का पूरा डेजर्ट का आ गया अब अब यहाँ पर तो कोई छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है एक्चुअली इसका बच्चा नहीं है ये क्या आपको पता है रेड है चूहा है रेड क्या रहता है इन लोग ना बहुत होशियार रहते हैं इन लोग ने दिन को दिखाई तो देते नहीं है और रात को ही दिखाई देते हैं तो समझ में आए कि नहीं रात को ही इनका मूवमेंट चालू होता है तो इनके अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबी है रेड स्नेक स्पाइडर लेजर्ट इन अ डेजर्ट लिव इन अ डीप बोरो ड्यूरिंग द डे टाइम क्या करते हैं डेजर्ट में क्या करते हैं पता है दिन के टाइम में छुप छुप के रहते हैं मतलब गड्ढे के अंदर मतलब जहाँ पे छेद होगा या कहीं पे कुछ जगह रहेगा वहाँ पे छुप छुप के रहते हैं और एक्टिव एट नाइट एक्टिव हो जाते हैं रात को एकदम अपने आप को क्या तैयार कर लेते हैं समझ में तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी देन नेक्स्ट है एडेप्टशन इन एनिमल ऑफ स्नोई रीजन ऑलरेडी मैंने आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा बता दिया था स्नोई रीज़न में क्या क्या होता है तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसके बॉडी पे देखो आपको हेयर्स दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे <coughs> तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको बोला कि डाउनलोड द इमेज ऑफ याक पोलार बियर बाद में वाइट फॉक्स सिल्वर फॉक्स बाद में माउंटेन गोट यहाँ पे साइबेरियन हस्की डॉग चलो मैं आपको ये सब तो आपको सर्च करना है पर मैं यहाँ पे आप साइबेरियन हस्की डॉग का आपको डायग्राम दिखा देता हूं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको आइडिया आ जाएगा बहुत ही प्यारा सा उसका डायग्राम रहता है आपको दिखा देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ये जो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है किसका है साइबेरियन हस्की डॉग का तो ये दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको याद हो गया देखो इसके बॉडी पे आपको दिखाई दे रहा है हेयर है और मोस्टली यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं व्हाइट कलर में होते हैं ज़्यादातर देखो यहाँ पे व्हाइट पार्ट्स भी दिखाई दे रहा होगा तो ये इसके एड तो दोस्तों तो दोस्तों आपने देख लिया कि पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया तो ऐसे आपको अलग अलग इमेजेस को क्या करना है सर्च करना है तो आपको दिखाई देगा अब देखो यहाँ पे बोला कि वाइट और सिल्वर बॉडी कलर एंड लॉन्ग एंड हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टर ऑफ एनिमल इन नो रीजन तो ये आपको पॉइंट याद रखना है वाइट और सिल्वर कलर याद रखना है वाइट एंड सिल्वर कलर तो ये इसको क्या करते हैं हेल्पफुल होते हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा देन यहाँ पे पूछा कि देखो यहाँ पे पूछा कि हाउ दिस यूजफुल देम तो मैंने आपको बताया है कि हेयर्स इसलिए यूजफुल रहते हैं क्योंकि वहाँ पर जो यहाँ पे जो कंडीशन रहता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है अब देखो एडेप्टसन इन एरियल एनिमल्स एरियल मतलब जो उड़ते हैं अब एरियल मतलब सबसे पहले कि आपको पता होगा कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इनके पास इनका जो फोर लेग होता है फोर लेग होता है इनका किस में कन्वर्ट हो जाता है विंग्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है विंग्स में समझ में आए कि नहीं जैसे हमारे पास हाथ हैं तो वैसे इनका जो हाथ रहता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है विंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो ये आपको पता रहना चाहिए बॉडी इज लाइट इन वेट बॉडी कैसा होता है इनका लाइट इन वेट होता है फोरलेग इसमें कन्वर्ट हो जाता है विंग्स में हो जाता है स्पिंडल शेप में होते हैं मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था स्पिंडल शेप फीस में बताया था स्पिंडल शेप रहते हैं जिससे है, इनको रेजिस्टेंस ना हो इन्हें हवा किसी प्रकार का एयर का कोई प्रॉब्लम ना हो आराम से देखो यहाँ पे देखो लिखा है एग्जाम में ग्यू रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्यू रीजन आता है कि स्पिंडल शेप का आता है कि बर्ड्स या तो ये ऐसे आएगा कि आपको ऐसे आ सकता है कि द सेप ऑफ बर्ड्स इज स्पिंडल तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया गिव रीजन में तो आपको उसका रीजन देना है तो सबसे पहला उसका रीजन तो एक ही लाइन में आपको रीजन नहीं देना है आपको और भी पॉइंट्स बोलना है पर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलना है मिनिमाइज द रजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग जब वो फ्लाई करते हैं तो उस टाइम पे एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको मिनिमम करने के रेजिस्टेंस मतलब क्या होना रुकावट रेजिस्टेंस मतलब रुकावट को रोकने के लिए अगर देखोगे एरोप्लेन भी हमेशा स्पिंडल शेप में ही रहता है देन यहाँ पे आपको दिखाई दे जरा फेदर्स आर मॉडिफिकेशन फॉर लेग एंड बिंग एंड लाइट इन वेट अडेप्टेड फॉर द फ्लाइंग बाद में द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट आल्सो इन लाइट इन वेट एंड टेपर इन बोथ एंड इंसेक्ट के बारे में बोला है दे कैन फ्लाई विद द टू पेयर ऑफ विंग्स एंड आल्सो वॉक इन अस स्टिक लाइक लेग हाँ ये आपको पता है कि स्टिक लाइक लेग मतलब आपने जितने भी इंसेक्ट देखे होंगे कॉकरोच का आप एग्जाम्पल ले लो तो यहाँ पे इनके इनकेसटिक की तरह ऐसा ऐसा इनके स्टिक की तरह क्या लेग्स निकले रहते हैं बैट्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पैटा या तो पैटाजियम पैटाजियम अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ बैट्स का देखो आपको दिखाई देगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा देखो यहाँ पे इसको हम पैटा जायम भी अगर आपको बोलना है तो बोले या तो पैटा पैटाजियम भी जो बोलना है तो देखो ये बैट्स है बैट्स आपको दिखाई दे रहा है और ये देखो इसके हेल्प से इसका जो पैटा जायम है इसके हेल्प से क्या करता है फ्लाई करता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंसेक्ट के बारे में पता चल गया अब एडेप्टशन इन रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स मतलब पता है कि जो रेंगते हैं क्या करते हैं जो रेंगते हैं इनके अंदर सबसे अच्छा है कि ये दीवार पे क्या करते हैं दीवार के ऊपर पूरी तरह से क्या होता है चिपक जाते हैं ये सब इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है और अ, मतलब ये इसका लेजर्ड के बारे में बता रहा हूँ और रेप्टाइल्स अब देखो यहाँ पे रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या है देखो यहाँ पे दिखाई देगा कि हाउ द स्नेक एंड अर्थ फॉर्म क्रिप्स क्रिप्स क्रीपिंग क्रीपिंग मतलब क्या करना क्रीप हो गया मतलब चिपक के पूरी तरह से चलना विच ऑर्गेन डू यूज़ फॉर अ क्रीपिंग क्रीपिंग के लिए कौन सा ऑर्गेन करते हैं यूज़ करते हैं आर दे आर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर फॉर देट पर्पज एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि नोट द सच चेंजेस अब देखो एनिमल लाइक -like. अब आपको रेप्टाइल के एडप्टेशन यहाँ पे एनिमल लाइक हाउस लेजर्ट गार्डन लेजर्ट एंड क्रोकोडाइल आर मोस्टली आर यूज देअर मसल फॉर द क्रीपिंग वो हमेशा अपने मसल्स का यूज करके क्रीप करते हैं आप ऊपर पूछा ना क्रीपिंग वो कैसे करते बीच ऑर्गेन वो यूज करते थे तो वो अपने मसल्स का यूज करके क्या करते हैं क्रीपिंग करते हैं देश वो द एडप्टेशन इज स्कीम सोल ऑफ फीट बॉडी कलर वो अपने देखो स्किन में दिखाई देता है फीट के अंदर उनके अंदर आ, फीट के अंदर उनके क्या दिखाई देता है एडेप्टसन दिखाई देता है और बॉडी के कलर में अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं और बाद में द हाउस लेजर्ट एंड मॉनीटर मॉनीटर लेजर्ट द क्रॉन टोस एंड थीम सोल एंड वेयर अज स्नैक द स्केली स्किन स्नक के ऊपर स्केल स्केल जैसे फीस के ऊपर रहता है ना वैसे इनके बॉडी पर भी बहुत सारे स्केल ऐसे स्केल्स ऐसे डिजाइन बने रहते हैं स्नैक की बात कर रहा हूँ और देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लेग्स भी होते हैं यहाँ पे इसके लेग्स नहीं होते तो ये मूवमेंट कैसे करते क्रिप्टिंग किससे करते हैं किसके हेल्प से करते ये मसल्स के थ्रू करते हैं तो आपको ये भी आइडिया आ गया होगा एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स एनिमल्स के बारे में बताया कि अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स फूड के लिए उसके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वी कैन कैटेराइज द एनिमल एज अर्वी वर्स एंड कार्वरस स्पेशल एडेप्टन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी मतलब कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों में ऐसा एडेप्टन बनाया गया कि जिसको वो फीड आराम से कर सके वी विल डिस्कस दिस ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो आपका नेशन नेसन आएगा वहाँ पे आप पढ़ोगे watch द प्रोग्राम ऑन द चैनल ये ये तो अगर आपके ऊपर है तो आपको वॉच करना है तो आप करो वैसे आपको यहाँ पर अब देखो यहाँ पे लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग योर ओन ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे एडेप्टसन है एनिमल्स है यूज ऑफ एडेप्टन देखो सार तीथ कौन यूज कौन से एनिमल में पाया जाता है और उसका यूज़ क्या है टू टीथ द फ्लैश अभी देखो यहाँ पे टू टीयर द फ्लैश है सॉरी टू टीयर द फ्लैश अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिग्स के बारे में बाद में यहाँ पे लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक्स किसके अंदर है अगर आपने पीछे देखा होगा डक ये सब देखा होगा तो उसके बारे में बता सकते हैं शॉर्ट बिग किसके अंदर रहता है लॉन्ग एंड स्टिकी टर्म्स किसका रहता है लॉन्ग नेक किसका रहता है आपको पता होगा तो मोस्टली ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता है प्लीज़ ये वन बाय वन आप सर्च करके फिलअप करो या इसमें से कोई भी एक आप कमेंट्स में लिख के हमें बताना याद से आप इसे सर्च करोगे तो इतना इंपॉर्टेंट uh, है नहीं पर आपको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट है देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पता आपको अडेप्टशन आएगा इस स्नोई रीजन में क्या अडेप्टन होता है और जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताया बताएँ वो सब आपको ट्रू फॉल्स के लिए याद करके रखना है अडेप्टशन फॉर ब्लैंडिंग विथ सराउंडिंग अब देखो वी कैन नॉट ईजली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई लेजर्ड एंड ग्रास ऊपर दे गेट कमर फ्लैग इमेज ग्रासेज पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम लीफ एंड फ्लावर हम देखो बहुत सारे अगर आप देखो नॉर्मली आप अगर ग्रास ऊपर का अगर एग्जाम्पल लेते हो तो वो उनका जो एडेप्टसन रहता है वो कैम यहाँ पे वो क्या होता है पता है कैमर फ्लैग कैमर फ्लैग मतलब क्या होता है छुप जाते है, वो क्या होता है हाइड हो जाते हैं जैसे कि अगर सुनो ग्रीन इन्वायॉरमेंट है तो अपने आप को ग्रीन कलर में करके वहाँ पे वो क्या होता है छुप जाते हैं तो ये ये एडेप्टसन इनका फॉर ब्लैंडिंग विथ सराउंडिंग मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनके अंदर ये चेंजेस है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गेन एंड लाइफ प्रोसेस इन ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल दैट लीव फीड रिप्रोड्यूस द परपैचुएट दैमसेल परपेचुएट मतलब क्या होना वो उनकी प्रजाति को क्या करना कंटिन्यूस आगे बढ़ाने के लिए अगर समझो वो दिखाई दिए तो उनके अंदर चेंजेस नहीं रहा तो वो ऐसी कंटिन्यूस दिखाई दिए तो उन्हें उनके जो प्रेडिटर है वो क्या करेंगे खाते जाएंगे तो बाद में धीरे धीरे उनकी प्रजातियाँ खत्म हो जाएगी तो प्रोडेक्ट डैमचल फॉर देयर एनिमीज एनिमीज मतलब दुश्मन से अपने को बचाने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटार्ड एंड जोग्राफिकल कंडीशन आर कॉल्ड एडेप्टेशन तो उनके अंदर ये सब चेंजेस इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने प्रेडेटर से अपने दुश्मन से क्या कर सके अपने आप को क्या कर सके बचा सके तो इसलिए उनके अंदर ये चेंजेस अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डारविंग थियरी ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे हमारा पूरी तरह से एडप्टेशन का पार्ट खत्म हो गया एडेप्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको सब कुछ पता चल गया अब देखो डारविंग थियरी ऑफ रिवोल्यूशन डारविंग जो थे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे देखो यहाँ पे बोला कि चार्ल्स डारविंग वेट मैं आपको दिखाता तो हूँ चार्ल्स डारविंग बायोलॉजिस्ट थे जिनको बायो के बारे में मतलब ये हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है बायो से रिलेटेड है एक्चुअली इन्वायरमेंट में भी ये कंसिडर हम कर सकते हैं न्यूमरस टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड सजेस्टेड दैट ओनली दोज एनिमल आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडेप्टैम सेल्फ टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट देखो आज के डेट में वही अडोप्ट होगा जो अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब ये लॉकडाउन का टाइम है अगर आप में से अगर जो अच्छा अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा उसी का रिजल्ट आगे जाके इंप्रूवमेंट उसी के रिजल्ट में दिखाई देगा क्योंकि अगर आपका जैसे ही स्कूल ओपन होगा उस टाइम पे आपके टीचर्स के पास भी टाइम नहीं रहेगा आपके पास भी टाइम नहीं रहेगा तो सिलेबस कैसा होगा बहुत ही छोटा रखा जाएगा या फास्ट सिलेबस कवर किया जाएगा तो आप अगर इस लॉकडाउन में जिसने अपने आप को चेंजेस रखा वही क्या होगा एगजस्ट होगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा डार्विन ने जो बताया कि ये कंडीशन हर जगह पे एडजस्ट होता है तो यहाँ पे ये यह याद रखना डार्विन थेरी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट अडेप्ट डेमसेल टू चेंजिंग द इन्वायरमेंट जो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अभी जैसे मैं राजस्थान में जा रहा हूँ अगर मैं राजस्थान में अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने चेंज कर दिया जैसे मैं स्नोई रीजन पर जा रहा हूँ अगर उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को चेंज कर लिया तो मेरे अंदर क्या होगा मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ जी सकता हूँ तो उसे ही हम उन्होंने उसी थेरी को उसे क्या बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ़ फ़िटनेस सर्वाइवल जो फिट हो सकता है जो वही क्या हो सकता है सर्वाइवल ऑफ़ फ़िटनेस मतलब कि अपने आप को जो अपने उस इन्वायरमेंट में फिट कर लेगा वही क्या हो सकता है सर्वाइव हो सकता है एंड दिस इज़ द डारविंग फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखना

समझ में आए उसे हम क्या बोलते हैं नेशनल सिलेक्शन नेशनल सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा यूरोप का एग्जाम्पल एक, एक बार दिया था अगर मैं यहाँ पे आपको एक मिनट में बताना चाहता हूँ यूरोप में एक बार क्या हुआ पता है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ही क्लीन था तो वहाँ पे दो तरह की स्पेसिस पाए जाते थे एक स्पेसिस मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एक जो था ब्लैकिस कलर में दिखाई देता था और एक स्पेसिस जो था व्हाइट कलर में दिखाई देता था ग्रे में नहीं बोल रहा हूँ व्हाइट कलर में दिखाई देता था तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन था तो वहाँ पर इन्वायरमेंट जो था पूरी तरह से कैसा था क्लीन था तो क्या होता था ब्लैक वाला ना तुरंत प्रीडिटरी बर्ड्स को दिखाई देता था बर्ड्स आते थे वाइट वाला कैसा होता था छुप जाता था क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा बहुत क्लीन था पर ब्लैक वाले तुरंत दिखाई देता था तो रीज़न ये हुआ कि पूरी तरह से ब्लैक वाले स्पेसिस क्या हो गए थे धीरे 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 क्या हो गए थे ख़त्म हो गए थे और वाइट वाले जो नंबर में बहुत बढ़ गए बट आफ्टर इंडस्ट्रलाइजेशन जैसे ही इंडस्ट्रलाइजेशन जैसे ही आया यूरोप में पूरी तरह से पॉल्यूशन हो गया पॉल्यूशन होने के बाद इन्वॉर्मेंट ब्लैक होने लगा अब मजा किसका हो गया ब्लैक वाले का अब ब्लैक वाला क्या होता था छुप जाता था और व्हाइट वाला क्या होता था पकड़ा जाता था क्योंकि वाइट तुरंत ब्लैक पे दिखाई देता है अभी देखो तो यहाँ पे मैं अगर ये ये पूरा का पूरा ब्लैक सरफेस है यहाँ पे वाइट वाला तुरंत दिख रहा है ना तो तुरंत प्रेडिटरी बर्ड्स आते थे और इसको खा जाते थे खाने के बाद इन्हें नहीं खाएंगे बहुत ही महान व्यक्ति है तो वहाँ पे क्या होता था पता है कि तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि इन्वामेंट में हमेशा नेचर अब अब उल्टा हो गया पहले कैसा होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले कौन ज़्यादा था वाइट वाले कैसे थे ज़्यादा थे ब्लैक वाले कम थे पर अब कैसा हो गया ब्लैक वाले ज़्यादा हो गए व्हाइट वाले कम हो गए तो ये डारविंग थेरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैंने देखे आपको बताया क्लासीफिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो आपको पूरा का पूरा ये चार्ट क्या करना है याद कर लेना है पूरा का पूरा ये चार्ट आपको याद होना चाहिए <coughs> अब देखो यहाँ पे हायरची हारर्डी जो है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस पीसीस ये आपको याद होना चाहिए आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और जो आपके बुक में यहाँ पे मैंगो का बोला है ना मैंगो का मैंगो का ये आपको याद होना चाहिए मैग्नीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम है तो सबसे पहले मैं आपको याद कराता हूँ किंगडम के पी याद हो गया आपको के पी के पी आपको याद हो गया काला पानी याद रखने का के पी मतलब काला पानी किंगडम फाइलम बाद में क्या याद रखोगे सी ओ पी क्या याद रखो कॉफ सॉरी सी ओ एफ़ याद रखो क्या याद सो कॉफ सी ओ एफ सी ओ एफ देखो के पी मतलब किंगडम फाइलम सी ओ एफ मतलब क्लास ऑर्डर और फैमिली और बाद में आपको क्या याद रखना जी एस जी एस याद है ना जी एस जी एस सब्जेक्ट होता है तो जनरल साइंस जैसे आपका सब्जेक्ट है तो वैसे जेनस एंड स्पीसीस जीन एंड स्पीसीस तो याद हो गया आपको पूरा का पूरा टेबल मैंने याद करा दिया के पी बाद में दूसरा क्या आएगा आपका सी ओ एफ कॉफ और बाद में जी एस ओके ये पूरा का पूरा हो गया अब देखो इसके मैंगो के बारे में बताएं मैंगो के किंगडम का नाम क्या है प्लांटे मैंगो प्लांट का किंगडम है वीटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था तो उसमें से प्लांट एक किंगडम सिस्टम है बाद में फाइलम हमने फाइलम के बारे में जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंथ्रोफाइला क्या लिखा है फाइला क्लास जो है डाइकोट वाला है डायकोट मतलब पता है ना मैंगो के अंदर जो सीड्स होते हैं उसमें दो हॉल्स दिखाई देंगे ऑर्डर ऑर्डर जो इसका दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर जो है वो क्या है uh, सेपिन डेल्स दिखाई दे रहा है सेपिन डेल्स दिखाई दे रहा है इसका ऑर्डर है देन फैमिली कौन सा है फैमिली कौन सा है एना कार्डिय याद रखना है एना कार्डी तो ये इसका क्या है एना कार्डीए सी जो है इसका फैमिली है ये नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा सबसे इंपॉर्टेंट आपको जीनस और स्पेसिस याद रखना है जीनस मैग्नीफेरा है और ये इंडिका है किंगडम प्लांटे है फाइलम अगर आपको याद रखना क्लास याद रखना क्लास कौन सा है डाइकोट है ये सेम एनिमल्स के लिए मतलब ह्यूमन बींग के लिए एनिमल लिया है हम लोग कैसे कॉर्डेट्स हैं समझ में आएगी नहीं जैसे हमारे भी हमारे में वर्डीपर कॉलम्स जो है वो पाया जाता है मेमल लिया है जैसे हम मैमल्स हैं समझ में आएगी नहीं पी मेड्स है हमारा जो ऑर्डर है वो क्या है प्रीमेड्स है तो होमिनीडे तो ये आपको याद रखना है बाद में होमो याद है आपको होमो होमोसेपियन हमें बोला जाता है हमारा जो जीनस का नाम क्या है होमो वो आपको पूरा ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ना तो आपको बस ये याद करके रखो बस ये जीनस देखो कोई किसी भी चीज़ का जो साइंटिफिक नेम होता है तो उसका पहला जो लेटर होता है उसे हम बोलते हैं जीनस और दूसरा जो लेटर होता है उसे स्पीसीस बोलते हैं तो याद रखना मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका हुमन हम हुमन बिंग का क्या नाम है होमो सेपियन होमो क्या हुआ जीनस स्पीसिस क्या हो गया स्पीसीस क्या हो गया सेपियन तो याद रखना ये चीज़ बस याद है इसे ही हम क्या बोलते हैं हायर देन बायनोमियल नोमिनेशन बाय कार्स लेनेस जो मैंने आपको बताया ना वो जीनस एंड स्पीसीज़ वही यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा गया बाइनोमियल नामिन बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल बायनोमियल नामिन क्लेचर इज़ यूज आइडेंटिफाई दी ऑर्गेनिज्म अब देखो क्या होता है पता है कि बायनोमियल नामिन क्लेसर क्यों रखा गया सबसे सब पहले सब मैं वो आपको बताऊँ क्या होता था पता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे ना मैंगो है हमारे यहाँ पे मैंगो को क्या बोला जाता है मैंगो बोला जाता है हो सकता है कि दूसरे कंट्री में उसे पोटेटो बोला जाए अब कैसे हम जब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो दूसरे कंट्री में हम बोलेंगे भाई हमको मैंगो चाहिए तो उन लोगों ने पोटेटो दे दिया तो हमको बोलेंगे भाई क्या तू तो पागल हो चुका है तू तो पोटैटो क्यों दे रहा है तो जब हर एक कंट्री में अलग अलग नाम हो सकता है कि उनके लोकल लेवल पे उसका नाम अलग अलग हो तो इसलिए उसे एक साइंटिफिक नाम से जाना जाता है तो साइंटिफिक नाम के लिए इसे बाइनोमियल नॉमिनक्चर दिया कि भले ही यहाँ पर मैंगो बोला जाता होगा पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड मैग्नीफेरा इंडिका ही बोला जाता है क्या बोला जाता है मैंगो को मैगनीफेरा इंडिका अगर आप मैंगो वाले आम वाले को जाके बोलो भाई मेरे को मैग्नीफेरा इंडिका दे तो वो तुमको दो मतलब दो थप्पड़ देगा बोलेगा चल निकल मेरे को क्या पता है मैग्नीफेरा इंडिका क्या है तो ये हम इंटरनेशनल जब ट्रेड करते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है मैग्नीफेरा इंडिका अगर समझो मुझे मैंगो यहाँ से भेजना है तो उस कंट्री को मैं मैगनीफेरा इंडिका लिख के भेजूंगा क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये नाम है होमोसेपियन ऑल ओवर वर्ल्ड है भले यहाँ पे हम कुछ भी अपने आप को नाम कुछ भी रखें पर आगे तो आपको बॉन्ड यहाँ पर आपको बाइनोमियल नोमिनक्लेसर का फ़ायदा समझ में आया होगा बायनोमेल नोमिनक्लेसर इज़ यूज आइडेंटिफाई द ईच ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नेम हैज असाइन ईच ऑर्गेनिज्म इट कंसिस्ट टू पेयर्स फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड पार्ट इज स्पीसी ऑल आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम हैज़ बिन असाइंड बाइनोमियल नेम एज पर दी गाइडलाइन ऑफ द इंटरनेशनल कोड ऑफ नामेन क्लेचर कहाँ से इंटरनेशनल कोड ऑफ नामन क्लेचर याद रखना पहले वाले को हम क्या होते हैं जीनस जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है तो मैग्नीफेरा क्या है जीनस और इंडिका क्या है स्पीसीज ऑल दी ऑर्गेनिजम ऑफ द स्पीसीज Are so आर that irrespective of the differences in the color height and habitat and they reproduce among themselves for the new organism like ऑर्गेनियम for example all domestic cat in the world belong to the same species समझ में आए उसको स्पेसिस के अकॉर्डिंग क्या किया गया डिवाइड uh, किया गया अब देखो जो मेन है वो आपको बता देता तो हूँ ये आपको टेबल याद करके रखना है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉग का क्या साइंटिफिक नेम है नहीं याद होता है फाइव फाइव टाइम टेन टेन टाइम लिखो फाइव टाइम आपको लिखना है जितने लोग वीडियो देख रहे हैं याद से फाइव टाइम लिखना है समझ में आए कैनिस देखो जब आपको नहीं समझ में आता तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो डॉग का नाम क्या है कैनिस लुपियस फैमिली एरिस फैमिली एरिस याद रखना कैनिस लुपियस लुप लुपस है या तो लुपस भी पढ़ सकते हो कैनिस लुपस क्या है फैमिली आपको याद है फैमिली तो फैमिली फैमिलियरिस तो यहाँ पे क्या है फैमिली एरिस याद रखना फैमिली एरिस क्या है फैमिली एरिस तो ये जो कैनिस जो पार्ट है ये क्या है जीनस हो गया और ये आगे के जो दोनों पार्ट है ये क्या हो गया आपका स्पीसिस हो गया अब देखो ये ये तो बहुत ईजी है काउ का बॉस टॉरस तो यहाँ पे बॉस जो हो गया वो क्या हो गया जीनस हो गया और टॉरस जो हो गया वो क्या हो गया ये हो गया क्या हो गया आपका स्पीसिस हो गया तो वैसे ही आपको ये भी याद रखना है ये हिबिसकस का बहुत ईजी है हिबिसकस का क्या है हिबिसकस रोजा सीनाइसिस तो ये हिबिसकस क्या हो गया आपका जीनस हो गया ये क्या हो गया स्पीसिस हो गया बाद में आपको यहाँ पे ज्वार के बारे में ज्वार के बारे में स्वर्गम बाय बाय कलर तो आपको ये याद रखना है तो ये ती, तीनों के चारों के चारों आप प्लीज़ अच्छे से लिख लेना अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है या आ रहा है ट्वेंटी नाइन अप्रैल की इसलिए मनाया जाता है तो यहाँ पे उसके बारे में है ओके तो प्लीज़ वन बाय वन आपको क्या करना है लर्न कर लेना है हर एक चीज़ों को आप यहाँ पे पूरा का पूरा लेसन आपका कंप्लीट हो गया अगर आपको एक्सरसाइज चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन ये भी एक्सप्लेन करके चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स करना ये भी हम आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे तो मैंने बहुत ही कोशिश किया आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बाकी का जो पार्ट है हम क्लासरूम में अच्छे से कवर करेंगे क्लास में एक बार मैं अच्छे से पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज़ कराऊँगा अभी आपका लॉकडाउन है तो आप अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे समझ लो ओके तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच और याद से वीडियो को लाइक like कर दो नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर दो नेक्स्ट लेसन कौन सा चाहिए वो भी कमेंट्स करना और जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो दैन दिल से थैंक्स थैंक यू सो मच